देखिए जिम्मी जैसे खाना खाई है, ठीक है ना, ऐसा बस जिस हिसाब से खाना खाई उसी टाइप से जो है ऊपर कर रही है, 6 से 7 बार लगभग। देखिए देखिए, फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फाइव है, सिक्स है, ये सेवन है। तो 7 बार जो है ना वो ऊपर कर चुकी है, डाइजेस्ट नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पे जो है ना बगल में मोती सो गया था और इसको सोने में नहीं बना, इस वजह से डॉक्टर से बात हुआ, डॉक्टर बता रहे थे कि गैस बना लिया है, तो गैस मेरे हिसाब से ये जो है ना सही तरीका से सो ही नहीं पाई थी, इस वजह से जो है ना इसका पेट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया और पच नहीं पाया सही तरीका से, डाइजेस्ट नहीं हो पाया। तो सॉरी गाइस, मैं जो है ना मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे अगर मैं मोती को भी साथ में सुलाऊंगा तो ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर ऐसा पता होता ना तो मैं मोती को यहाँ पे नहीं सुलाता और उसका जगह मैं जो है ना सेटअप कर दिया हूँ, यहाँ पे सिर्फ अब जिम्मी ही सोएगी और हम बगल में देखे सोते हैं। थैंक यू गाइस, मैं इसके लिए सॉरी बोलूँगा, जिम्मी को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, देखिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ है, देख सकते हैं जैसे जैसे खाना खाया ना उसी टाइप से निकाल चुकी है जिम्मी, और जो नाइट में अच्छे तरीके से सोने नहीं दी है जिम्मी जो है ना, क्योंकि खुद नहीं सोई है, मुझे क्या सोने देगी। 7 बार सोच लीजिए कि 8 से 8:30 बजे खाना खाया था और उसके बाद जो है ना 1 बजे लगभग, 12-1 बजे जो है ना ये डिस्टर्बेंस चालू हो गया है, जिम्मी का जो है ना कैफियत खराब हुआ और जब से जो है ना ये ऊपर करना शुरू किया है, वोमिटिंग करना शुरू किया है, जब से वोमिटिंग किया जा रहा है रेस्ट करता है जब भी, मतलब उठता है फिर जाके वो वोमिटिंग करता है, जब सोता है फिर उठता है फिर जाके वोमिटिंग करता है। और ये इतना समझदार है जिम्मी की, देखिए जहाँ पर सो रही है वहाँ पर नहीं करती है, इधर निकल के गेट लगा हुआ था गाइस और ऊपर से मैं गेट लगा दिया था, देखिए ऊपर से गेट लगा दिया था, वो नहीं खुल पाई, अगर ऐसे रहता ना तो खोल के बाहर चला जाता बाथरूम में, इतना समझदार जिम्मी है। आप लोग को भी पता है ना जिम्मी कितना समझदार है, पर मजबूरी था और मुझे उठा नहीं पाया, सोचा कि ना कोई बात नहीं है, उसको समझ में नहीं आया कि क्या होगा, ठीक है ना, ऐसा प्रॉब्लम पहली बार हुआ जिम्मी के साथ, समझ नहीं पाया, इस वजह जो है ना नहीं समझने कारण जो है ना यहीं पे ये कर दिया, और बगल में ही सोते, देखिए बगल में ही सोते हैं, मुझे नहीं उठा पाए जिम्मी। तो कोई बात नहीं, मैं इसको साफ कर लूंगा, मुझे कोई एतराज नहीं है, प्रॉब्लम हुआ जिम्मी को, दुख में अगर साथ नहीं देते हैं ना तो फिर ऐसे पेट लवर हम नहीं होते, क्योंकि हम जो है ना डॉग लवर हैं और इसका मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, बचपन से इसको पाला हूँ ना, कितना मैं क्या क्या हूँ अपना बच्चा को जितना नहीं किया हूँ ना, जितना मैं इसको कर पाया हूँ, क्योंकि इसी इतना लगाव हो चुका है ना, मैं क्या बोलूँ आपको, आप लोग देखते होंगे, और बच्चा हमारे पास रहता नहीं है, बच्चा गांव में रहता है, हम यहाँ पे ये रहता है तो इसी को प्यार मिलता है, और कोई बात नहीं, थैंक यू गाइस, बिजनेस में क्या बोलूँ, मूड सही नहीं है, और देखते हैं अगर इवनिंग में सही हो जाएगा ना तो मैं वीडियो बना के जो है ना इवनिंग में आपको लाइव आके आप लोग को मैं बता दूंगा, ठीक है ना, थैंक यू गाइस।